पेड़ पौधों की हरियाली, इसमें छुपी है हमारी खुशहाली। भारत सरकार एक ऐसी योजना पर काम कर रही है जिसे ग्रीन वॉल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाएगा। हालांकि इस पर अभी शुरुआती चर्चा हो रही है, लेकिन सरकार इसको लेकर बहुत गंभीर दिख रही है। मेरा नाम नीतीश रंजन है और आज हम बताएंगे क्या है ये ग्रीन वॉल ऑफ इंडिया प्रोजेक्ट। गुजरात से लेकर दिल्ली हरियाणा सीमा तक ग्रीन वॉल ऑफ इंडिया को विकसित किया जाएगा। इसकी लंबाई 1400 किलोमीटर होगी, जबकि यह 5 किलोमीटर चौड़ी होगी। प्रोजेक्ट पर मुहर लगती है तो यह भारत में बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए भविष्य में भी एक मिसाल की तरह होगा। पश्चिम भारत और पाकिस्तान के रेगिस्तानों से दिल्ली तक उड़कर आने वाली धूल को भी इस ग्रीन बेल्ट से रोका जा सकेगा। टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक अधिकारी के हवाले से रिपोर्ट में लिखा है, भारत में घटते वन और बढ़ते रेगिस्तान को रोकने के लिए यह आइडिया हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की कॉन्फ्रेंस COP14 से आया था। इसके तहत 26 मिलियन हेक्टेयर भूमि को प्रदूषण मुक्त करने का लक्ष्य था। ग्रेट ग्रीन वॉल ऑफ इंडिया से हर साल पाकिस्तान और राजस्थान की तरफ से दिल्ली आने वाली धूल से निजात मिलेगी। इसे थार रेगिस्तान के पूर्वी तरफ विकसित किया जाएगा। गुजरात के पोरबंदर से लेकर पानीपत तक बनने वाली इस ग्रीन बेल्ट से घटते वन क्षेत्र में इजाफा होगा। इसरो ने 2016 में एक नक्शा जारी किया था जिसके मुताबिक गुजरात, राजस्थान, दिल्ली ऐसे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जहां 50% से अधिक भूमि हरित क्षेत्र से बाहर है, इसके चलते इन इलाकों में रेगिस्तान का दायरा बनने का खतरा है। अब देखना यह होगा कि कब इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट को स्वीकृति मिलती है और कब यह शुरू होता है। आपको यह वीडियो कैसा लगा, इसके बारे में अपनी महत्वपूर्ण राय कॉमेंट बॉक्स में जरूर दें। चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।